हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? आज आपका मेरे चैनल पर स्वागत है एक और नई वीडियो के साथ। आज की ये वीडियो में मैं आपको यह बताऊंगा कि आप अपने फ्लाइस का FSI 6 को कैसे 6 चैनल से 10 चैनल में अपडेट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो इसे सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और मुझे मेरे इंस्टाग्राम ID पे फॉलो भी कर लें। फ्रेंड्स, मैं इसमें आपको एक एक स्टेप बताऊँगा कि आप इसे कैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम अपनी इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले FDTI मॉड्यूल चाहिए जो फ्लाई स्काई को और कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन कराने में हेल्प करेगा। उसके बाद आपको कुछ जंपर वायर चाहिए। फिर आपको एक डेटा केबल चाहिए जो आपको आपके FDTI मॉड्यूल को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करेगा। यहाँ पे जंपर वायर्स को FDTI मॉड्यूल के साथ कनेक्ट करने हैं। यहाँ पे आप इसका डायग्राम देख सकते हैं। यह हमारे फ्लाई स्काई का ट्रेनर पोर्ट है जिसमें हमें जंपर वायर्स को कनेक्ट करना है। आपको वायरिंग बहुत ही ध्यान से करनी है। आप स्कीमेटिक्स में देख लेना कैसे करी हुई है, बिल्कुल उसी तरीके से करनी है। नाउ फ्रेंड्स, हमें फ्लाई स्काई में न्यू फर्मवेयर को फ्लैश करने से पहले उसे हमें डाउनलोड करना पड़ेगा। तो चलिए अब हम अपने सिस्टम पे चलते हैं। इस लिंक को मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा जिसे आप डायरेक्ट जाके डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे हमारी फ्लाई स्काई का फर्मवेयर है, इसे हमें डाउनलोड कर लेना है। मैंने इसे पहले से ही कर रखा है तो मैं इसे दोबारा नहीं करूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी zip फाइल को मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया है। फिर फ्रेंड्स, आपको फ्लाई स्काई मोड मास्टर फाइल को ओपन कर लेना है। देन चैनल मोड i6 को ओपन कर लेना है और फिर उसके 1.5 वर्जन को ओपन कर लेना है। इसमें आपको सबसे ऊपर वाला दिख रहा होगा exe फाइल, उसको आपको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर लेना है। फिर आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। नाउ फ्रेंड्स, अब डेटा केबल को हमें FDTI मॉड्यूल के साथ कनेक्ट करना है। नाउ आपको अपने जॉयस्टिक को नीचे करके और फिर आपको पावर ऑन करना है। फिर आपके पास यहाँ पे एक फैक्ट्री रीसेट वाला खुल जाएगा। यहाँ पे आपको सबसे नीचे दिखाई देगा फर्मवेयर अपडेट, उसे ओके कर लेना है, देन यस कर देना है। अब हमारा फ्लाई स्काई अपडेट मोड में जा चुका है। लेकिन फ्रेंड्स, आपको उससे पहले आपको अपना कॉम पोर्ट जानना है। उसके लिए आपको कंट्रोल पैनल खोलना है, देन आपको डिवाइस मैनेजर में जाना है। इससे आपको पता चलेगा आपका FDTI मॉड्यूल कौन से पोर्ट में कनेक्ट है। यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा COM1 पोर्ट में कनेक्ट है हमारा FDTI मॉड्यूल। देन यहाँ पे आपको COM1 पोर्ट सेलेक्ट कर लेना है, देन आपको ओपन पोर्ट कर देना है, देन आपको प्रोग्राम पे क्लिक कर देना है। 100% होते के साथ ही हमारा फ्लाई स्काई 10 चैनल में अपडेट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं फिर हमारा फ्लाई स्काई 10 चैनल में अपडेट हो चुका है सक्सेसफुली। अब आपको आपके USB पोर्ट को डिस्कनेक्ट कर लेना है और आपको अपने फ्लाई स्काई को ऑफ कर लेना है, देन आपको उसको अगेन ऑन करना है। नाउ फ्रेंड्स, आप यहां देख सकते हैं कि हमारा फ्लाइस का FSI 6 10 चैनल में अपडेट सक्सेसफुली हो चुका है। यहां पे हम इसके सभी चैनल्स को अच्छी तरीके से यूज कर पा रहे हैं।
फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इस पर कमेंट करें, लाइक करें, जिससे मैं भी मोटिवेट हो सकूं और आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो ला सकूं। फ्रेंड्स, मुझे आपसे कोई अच्छा रिस्पांस नहीं आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें, जिससे मैं भी मोटिवेट हूँ और आपके लिए ऐसी वीडियो ला सकूँ। एंड फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। हम दोबारा एक और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ जरूर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।